हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, यानी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स कल रात क्या थे आपके लिए, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पर्सेंट रेजोनेट करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये रीडिंग सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओके, आइए देखते हैं कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। अपने पर्सन के नाम पर, उनकी छवि पर फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, कल रात कैसा फील कर रहे थे आपके पर्सन? ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को अरेंज करते हैं। ओके, व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले जो चीज मुझे यहां नजर आ रही है वो ये है कि कल रात आपके पर्सन जो हैं दुखी थे, क्योंकि यहाँ फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो उनकी जो एनर्जी है वो मुझे काफ़ी ऐसी नज़र आती है जैसे ये किसी चीज़ का शोक मना रहे हैं, किसी चीज़ का दुख मना रहे हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं, जैसे कोई रो रहा हो बैठकर या कोई बहुत उदास हो बैठकर और अपनी बिखरी हुई चीज़ों को देख रहा हो, जैसे जो मेरी लाइफ में बिखर गया है मैं उसे देख देख कर और रोता हूँ। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और वो टूट गया, अब वो टूटा हुआ प्रोजेक्ट आपके सामने रखा है तो उस टूटे हुए प्रोजेक्ट को देखकर आपको और ज़्यादा रोना आ रहा है, वो देख देख कर और ज़्यादा आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और ज़्यादा मन व्याकुल हो रहा है, और ज़्यादा दुख का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो जो चीज़ पर मेहनत की थी, जिस चीज़ पर समय लगाया था, जिस चीज़ को कहीं ना कहीं बनाया था बहुत मुश्किल से, मेहनत से, समय निकाल के, एनर्जी इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके, आज वो मेरे सामने टूटा हुआ पड़ा है, तो मुझे उसे देखकर और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो कई लोग कहते हैं इस चीज़ को ले जाओ मेरे सामने से, अब मुझसे नहीं देखा जाता, आई कांट सी दैट। तो इसी तरह का मुझे इनके कल रात के दुख का अनुभव लग रहा है बिल्कुल, कि जैसे कुछ खो गया, कुछ टूट गया, कुछ बिखर गया, और वो बिखरा हुआ सोच सोच कर, वो बिखरा हुआ देख देख कर उनको और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, जैसे प्यार में कुछ बिखर गया, जैसे प्यार में कुछ छिन गया, छूट गया, छीन लिया गया, पीछे रह गया, कहीं कहीं खो गया, इस तरह का महसूस करना, जिसकी वजह से दिल टूट गया, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो गए, जिसकी वजह से एक पेन है जो कि क्योर नहीं हो रहा है, जो कि हील नहीं हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही है। ऐसा लगता है इन्होंने कल रात इस दुख को भी फील किया और साथ ही साथ अपने आप को समझाने की भी कोशिश की, यानी कि ये पर्सन काफ़ी वाइस हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इमेच्योरिटी में कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं तो इमेच्योरिटी में हो रहे हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बच्चों की तरह से ही बिखर गए हैं, जैसे बच्चे छोटी सी चीज़ पर एकदम बिखर कर रोते हैं, बच्चों की तरह नहीं कर रहे हैं, ना ही बच्चों की तरह ओवर इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी वाइस और काफ़ी सेंसिबल और काफ़ी मेच्योरिटी के साथ ये इंसान फिर भी सोच रहा था कि नहीं, मुझे धीरज रखना है, नहीं मुझे खुद को संभालना है, मुझे कौन संभालेगा,
या मुझे कौन समझाएगा, मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे खुद को अपनी सिचुएशन को अपने आप शांति से हैंडल करना है। उन्होंने खुद को जैसे डीप ब्रीदिंग करना होता है वो किया, हो सकता है डीप ब्रीदिंग की, या गहरी सांस लेकर मेडिटेट किया, या गाने गुनगुना के मन को शांत किया, या कुछ भी किया। ओके, कुछ भी उन्होंने ऐसी एक्टिविटी करी कि उनका मन शांत हो, उनको ये जो दुख बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ये इतना ना हो। ऐसा लगता है खुद को समझाया भी बहुत है, खुद को ज्ञान की बातें बहुत समझाई हैं कि रोने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, कभी भी कुछ भी देर नहीं हुई होती, जो होना है वो ही होता है, और हमको पेशेंस रखना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक हो सकता है। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कांट गेट फिक्स्ड। कुछ ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम चाह के सही नहीं कर सकते, हम चाहें तो कर सकते हैं। तो अपने आप को बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस उन्होंने दिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस, गुड अफर्मेशंस, कहीं ना कहीं लविंग अफर्मेशंस। अफर्मेशंस यानी कि जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे अफर्म करते हैं बार बार बोल के, बार बार मन में दोहरा के, या बार बार शब्दों में दोहरा के उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो वही पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव सेंटेंसेस को अफर्मेशन की तरह यूज कर रहे थे, जिससे कि वो उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाए और इस दुख से छुटकारा पाए। तो ऐसा नहीं है छुटकारा पा ही लिया दुख से, और ऐसा भी नहीं है कि वो पॉजिटिव अफर्मेशन कर ही नहीं पाए। ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें हो रही थी, चाहे वो पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत बैलेंस हो पाते होंगे, लेकिन वो दुख हट नहीं रहा था, वो फिर भी था ही। ओके, जैसे कोई घाव हुआ है, कोई चोट लगी है, तो एक दिन सिर्फ मलहम लगाने से कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन उसे केयर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक दिन सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस कर लेने से, या एक रात में कर लेने से पॉजिटिव अफर्मेशंस, या कुछ घंटों के लिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने से, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, एकदम से फिक्स हो जाएंगी। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ऐसी ही चीज़ें चल रही थी, समझाना भी खुद को और फिर उस पेन को भी फील करना। फिर भी मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ देखी है, ऐसा लगता है कि वो देख रहे हैं। कल रात को उसी चीज़ को फील कर रहे थे कि जैसे वो देख रहे हैं आपको जाता हुआ, मुंह मोड़कर, पीठ फेर कर जाता हुआ, और वो आपको रोक ही नहीं पा रहे। यू आर गोइंग अवे एंड दे कैन नॉट स्टॉप यू, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो अधिकार फील नहीं हो रहा कि वो उनके पास वो अधिकार अभी भी है कि वो चाहें तो आपको रोक लें, वो चाहें तो आपको पुकारें, उनको वो अधिकार फील नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमसे कोई नहीं कहता कि आपके पास ये अधिकार नहीं है, हमें खुद महसूस होता है कि हमारे पास वो अधिकार शायद अब नहीं है, शायद हम उस पावर को अब एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आप क्लास के मॉनिटर हैं और फिर कोई और मॉनिटर बन गया, लेकिन आप बहुत समय तक मॉनिटर रहे थे, तो जैसे ही आप कुछ मिसबिहेव देखेंगे क्लास में, या कुछ गलत देखेंगे, या कुछ भी यू नो मिसमैनेज देखेंगे, तो आपका मन तो करेगा कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे मेरे पास वो पावर नहीं है तो मैं इनको मना नहीं कर सकता, या मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अंदर से आता है कि शायद मेरे पास अब वो पावर नहीं है, मैं उसे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, वो पावर किसी और की। यहाँ पर वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं कि अधिकार जैसे आप पर खो दिया हो उन्होंने, या आपने बिना कहे ही उन्हें ये जता दिया हो कि अब आपका अधिकार नहीं है कि आप मुझे रोकें, कुछ कहें और मैं आपकी सुनूं और मानूं। तो कहीं ना कहीं आपने मुंह से ना बोला हो तो बिहेवियर से, एक्शन से, जेस्चर से, या सिर्फ वाइब से भी ये बात समझा दी है या पहुंचा दी है उन तक। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये डिपार्चर आपके लिए भी अनवांटेड डिपार्चर है, चाहे वो आपको बुला नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इतनी आसानी से कि व्यूअर्स आपके पर्सन जो हैं वो अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपको रोक नहीं पा रहे हैं, फिर भी व्यूअर्स यहाँ पर आपका ऐसा दिखता है कि आप बहुत खुशी से दूर नहीं जा रहे हैं। ये आपके लिए चॉइस नहीं रही है, ये आपके लिए वन एंड ओनली कंडीशन बन गई है कि आपको तो जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे ये अनवांटेड डिपार्चर क्यों ना हो, यानी कि आप जाना चाहते ही ना हो, फिर भी आपको जाना पड़े अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ओके, अपनी
अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए और कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि आप ऐसे तो जीवन नहीं गुजारेंगे जैसा आप गुजार रहे थे इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप भी जाना नहीं चाहते थे, आप भी इनसे दूर होना नहीं चाहते थे, बट इवेंचुअली यू हैव टू और हैड टू गो, आपको जाना ही पड़ा या जाने का निर्णय लेना पड़ा, ऐसा विचार करना पड़ा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसे जैसे सभी कप्स खाली हैं और आपको तो कुछ मिला नहीं, तो आपको जाना ही पड़ रहा है खाली हाथ लौटना। आए थे कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ, कुछ इच्छाओं के साथ, कुछ डिज़ायर्स के साथ और कुछ प्लान्स के साथ, कुछ सपनों के साथ, एम आई राइट? लेकिन उसमें से 30% भी आपको प्राप्त नहीं हुआ या रिटर्न में नहीं मिला, आपने जितना कुछ फील किया किसी के लिए या कुछ किया किसी के लिए भाव में, इमोशंस में, प्यार में, उसका आधा भी आपको रिटर्न में नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे, जो प्यार लेकर आए थे, जो पैशन डेडिकेशन आप लेकर आए थे, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला है। और सारे एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स, विशेज और डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हुए हैं इस पर्सन की तरफ से, आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो एक बेसिक कॉमन या एक सिंपल साधारण रिश्ते में प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन, लव, ये भी नहीं हुआ है, उसमें भी कमी रही आपके लिए। तो आपको लगता है कि जहाँ पर मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर मैं रहकर करूँगी क्या या करूँगा क्या, मेरी मौजूदगी का, मेरी प्रेजेंस का अर्थ क्या है? तो इससे तो अच्छा है रिस्पेक्ट से यहाँ से जाएं। तो मुझे लगता है इसीलिए आपके सपने तो बहुत थे, आप बहुत इच्छाओं के साथ यहाँ आए थे और इसीलिए जाना भी नहीं चाहते आसानी से, लेकिन यहाँ पर आपको जाना पड़ रहा है, बैग्स पैक करने पड़ रहे हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर खुद ही जाने का मन कर रहा है। क्योंकि जब तक इसी सिचुएशन में आप लटके रहेंगे, तब तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या नहीं होगी, या रिस्पेक्ट आपकी क्या है या वैल्यू आपकी क्या है, तब तक वो रियलाइज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कोई आप चोरी छिपे जा रहे हैं, ग्रेस के साथ जा रहे हैं। अगर ग्रेस के साथ आए थे तो ग्रेसफुली ही जा रहे हैं अपने राइट के साथ, कि मेरा राइट है जाने का, मैं क्यों ना जाऊं ऐसे। तो लगता है जैसे आप जा रहे हैं लेकिन आप मुड़ मुड़ के देखते हैं, यू स्टिल हैव दैट होप कि ये इंसान मुझे पुकार के बुला लेगा, ये इंसान आवाज़ देकर मुझे रोकेगा, या ये मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे समझाने मनाने की रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आप भी ये देख रहे हैं कि इस होप में आप जा रहे हैं कि कोई मुझे रोक लेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है सामने से। तो आपको लग रहा है कि फिर तो सच में ही जाना ठीक है। और आपके पर्सन वहाँ कल रात ये सोच रहे हैं कि उनके पास अधिकार ही नहीं रहा आपको रोकने का, वो रोके कैसे आपको, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा, वो करेज नहीं रहा कि वो आपको रोक पाए, या वो आपको फेस नहीं कर सकते, या उस हक के साथ वो आपको रोक नहीं सकते। तो दोनों ही देख रहे हैं आप कैसी यहाँ पर एनर्जी बनकर आ रही है, कैसी यहाँ पर वाइब है, कैसी एनर्जी है, कैसे भाव है आप दोनों के। आप रुकना चाहते हो लेकिन उम्मीद करते हो काश वो आपको रोक लें, अगर आप उनके लिए इतने वैल्यूएबल हो, इतने ज़्यादा मायने रखते हो, तो वो आपको काश रोक लें। और वो वहाँ सोच रहे हैं कि आप जा रहे हो और वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, और जैसा उन्होंने ट्रीट किया है, जैसा उनसे हुआ, तो अब वो किस हक से आपको रोक लें? उनके पास तो कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, वो खो चुके हैं सारे अधिकार और हक, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो जाने वाला सोचता है मुझे कोई रोक ले, और रोकने वाला सोचता है कि मैं किस हक से रोकूं। इंटरेस्टिंग। यहाँ मुझे प्यार नजर आता है, यहाँ मुझे पेन नजर आता है। अब ये प्यार का दुख है, जो लोग प्यार में दुखी होते हैं, प्यार में टूटते हैं, ये वो दुख है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि यहाँ पर ये डेथ का कार्ड है। इस कार्ड को देख के डरना नहीं है, ओके? ये आपको डराने के लिए नहीं है, ठीक है? ये देखिए, ये एक डेथ कार्ड है, पर ये कार्ड यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं दर्शाता, ये सिर्फ
चेंज को दर्शाता है। कई लोगों के लिए मैंने पिछली रीडिंग में यानी कि लास्ट डे यस्टरडे जो मैंने रीडिंग की थी उसमें मैंने कहा था आपको, क्योंकि उसमें भी डेथ का कार्ड था, वो दूसरी टैरो डेक थी पर उसमें भी डेथ का कार्ड आया था और वहाँ पर भी ये संदेश था कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है पर उससे पहले पुराने चैप्टर्स क्लोज करने पड़ेंगे। जैसे जैसे एक अगला चैप्टर शुरू करने से पहले पुराना खत्म कर लेना चाहिए, दैट इज़ द राइट वे। कि यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव आने वाला है, देर इज चेंज, इस सिचुएशन में चेंज आने वाला है। ये आप लोगों के रिश्ते का, आप लोगों की लाइफ का छोटा या बड़ा पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है किसी वे में, तो और ये टर्निंग पॉइंट बदलाव के साथ आ रहा है यानी बदलाव लेकर आएगा। और इस चेंज में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हीलिंग के बाद ही कुछ हो पाएगा, यानी कि आप दोनों का अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी प्लेसेस और पोजिशंस पर हील होना ज़रूरी है और ये चेंज आएगा, फिर ये चेंज आएगा। सिचुएशन चेंज हो रही है, टेबल्स टर्न हो रहे हैं, यानी कि पहले अगर बॉल आपके हाथ में थी, यानी बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो पहले अगर बॉल आपके हाथ में थी तो अब वो किसी और के हाथ में, यानी कि अगर पहले आपके पर्सनल सिचुएशन को कंट्रोल करते थे, कंट्रोल्स अपने हाथ में रख के, तो अब टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, गेम पलट चुका है, अब वही बॉल आपके हाथ में है, अब आप गोल कर सकते हैं, यानी अब आपके हाथ में पावर है कि अब आप कैसे इस गेम को चलाएंगे, कैसे इस गेम का रुख बदलेंगे। अब मैं गेम कह रही हूँ, ऐसे संबोधित करने में अच्छा तो नहीं लगता लेकिन उदाहरण के तौर पर हमारी जनरेशन के लिए यह आसान है। तो एक गेम है और उस गेम को अब व्यूवर्स आप संभाल सकते हैं, यानी गेम यानी कि ये जो भी चल रहा है, जो भी एक सिनेरियो है उसमें आप चीज़ों को अब हैंडल कर सकते हैं क्योंकि अब वो पावरलेस हो गए हैं और ये चेंज आया है। जो वल्नरेबल था, जो कहीं ना कहीं एक स्टेप हमेशा पीछे हो रहा था, या जो वीक फील कर रहा था, या जो अनवांटेड फील कर रहा था, जो जिसको रिस्पेक्ट या उतना कुछ नहीं प्रोवाइड हुआ था जो वो एक्सपेक्ट करता था, तो अब वो पावरफुल सिचुएशन में आ सकता है। और जो बहुत ज़्यादा अगर एटीट्यूड दिखा रहा था या कहीं ना कहीं रियलाइज़ नहीं कर रहा था, बहुत केयरलेस हो गया था, बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस, तो अब वो इंसान ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा यू नो अफेक्टेड, और ज़्यादा अफेक्टेड तो होगा ही और ज़्यादा ही लविंग केयरिंग भी हो सकता है। या मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, साइंस तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कवर हो जाते हैं क्योंकि ये टैरो डेक में सभी साइंस कवर हो जाते हैं, इसीलिए मैं अलग से बता नहीं रही हूँ। फिर भी जो मैंने बोला, वाटर, एयर, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं 3/13/23, 5/15/25 एंड 6/16/26, 8/18/28, 4/14/24, 4/14/24 एंड what it can be, अभी मुझे यही डेट्स नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, या आइए कुछ हम देखते हैं कि कल रात ही आपसे कहना क्या चाह रहे थे। Let's see their messages for you. Let go the past. तो वो आपसे कहना चाह रहे थे कल रात, व्यूअर्स ऐसा भी फील कर रहे थे और कहना चाह रहे थे कि आप पास्ट को जाने दीजिए, भूल जाइए जो पास्ट में हुआ। तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं व्यूअर्स कि जो हुआ उसे भूल जाओ। तो वो चाहते हैं कि शायद आप उनकी पुरानी गलतियों पर या पुरानी चीज़ों पर पर्दा डाल दें, भूल जाएं वो बात। आई एम शाय, तो यहाँ पर दूसरी तरह से हम समझ पाए इस मैसेज को, तो ये भी है व्यूअर्स कि वो आप तक पहुँचने में डरते हैं। मैंने कहा ना कि अब वो अधिकार खो चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस है इस पर्सन के अंदर कि वो आए आपसे बात करे, कन्फेस करे, अपोलोजाइज करे। इन सब चीज़ों के लिए इस इंसान के अंदर मुझे एक नर्वसनेस नज़र आती है, एक एम्बेरसमेंट नज़र आती है कि ये इंसान एम्बेरस्ड फील करता है, ये जो भी है
लड़का लड़की जो भी हैं थोड़ा एम्बेरस्ड हैं किसी वजह से, तो एम्बेरस्ड हैं, शर्मिंदा शर्मिंदा हैं। कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आपके पर्सन कल रात ऐसा लगता है बहुत देर तक जागे, बहुत देर तक उन्होंने पॉसिबल है बहुत देर तक सोच विचार किया, और सच में क्योंकि वो आपको रोकना चाहते भी थे या चाहते भी हैं, तो उसके लिए उन्होंने रास्ता भी सोचने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैसेज आया है कि कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि ये इंसान कंफ्यूज्ड है कि करे तो करे क्या। तो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड का मतलब यहाँ साफ हो गया कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो क्या एक्शन लें, क्या करें इस चीज को लेकर, काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक और कार्ड आ चुका है, डिस्टेंस किल्स मी। तो शायद ये मैसेज उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट, कंट्री या अलग अलग टाउन, अलग अलग विलेज, ऐसा कुछ रहते हैं, दूर रहते हैं। तो व्यूअर्स, जितनी दूरियां हैं उतनी उनको तकलीफ हो रही है, उनको लगता है ये दूरियां इतनी नहीं होनी चाहिए थी, या ये दूरियां मुझे बहुत तड़पाती हैं, परेशान करती हैं, इतनी दूरियों को मैं सह नहीं सकती या सह नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि वो आपसे मिल नहीं सकते, आपको आसानी से मिलने बुला नहीं सकते, या इतना ईजीली वो आपको देख नहीं सकते, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये दूरियाँ उनको बहुत तकलीफ देती हैं। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं भी है, उनके लिए जो आप लोगों के बीच दूरियाँ आ गई हैं, ये जो प्यार में भी गैप आ गया है, इमोशनल गैप जो आया है, एक दूसरे के बीच जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया है प्यार में, उनको वो डिस्टेंस अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है, अंदर ही अंदर दुख पहुँचा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस से उनको बहुत तकलीफ हो रही है, डिस्टेंस की वजह से उन्हें बहुत पेन फील हो रहा है। तो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है चाहे नहीं है, लेकिन आप लोगों के बीच जो इमोशनली जो दूरी आई है वो उनको बहुत सता रही है, और कल रात भी यही हुआ है। यस व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।